हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में तेज रफ्तार का कहर एक परिवार पर ऐसा टूटा कि पूरा परिवार ही काल के मुंह में समा गया। दो ट्रकों के बीच फंसी कार में सवार 11 लोगों में से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में परिवार के सिर्फ दो ही लोग बच पाए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज के ग्राम नगला अनूप के रहने वाले शिव कुमार का परिवार अर्टिका गाड़ी से राजस्थान के गोगा मेड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। शिव कुमार के साथ उनकी 57 साल की पत्नी मुन्नी देवी, 25 साल का बेटा मनोज, मनोज की 23 साल की पत्नी रूबी, शिव कुमार की 22 साल की बेटी खुशबू, मनोज की 6 माह की बेटी वंशिका, 14 साल का प्रांशु, मैनपुरी में रहने वाले शिव कुमार की 24 साल की बेटी आरती और उसकी 2 साल की बेटी अंशिका और गांव का रहने वाला कार चालक बबलू। कार में कुल 11 लोग सवार थे। ये सभी गांव से मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। दर्शन करने के बाद सभी लोग घर के लिए वापस आ रहे थे। रास्ते में बबलू ने बाथरूम जाने के लिए गाड़ी को एक होटल के पास एक ट्रक के पीछे खड़ा कर दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे खड़े ट्रक में जा भिड़ा। दोनों ट्रकों के बीच फंसने से कार के ऊपर खच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में शिव कुमार, मुन्नी देवी, मनोज, रूबी, खुशबू, वंशिका, प्रांशु और बबलू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस भीषण हादसे में आरती और उसकी 2 साल की बेटी अंशिका बुरी तरह से घायल हो गए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं ये खबर जैसे ही गांव पहुंची हर तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई इस खबर को सुन सन रह गया कि कैसे एक झटके में पूरा परिवार उजड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, यू न्यूज़, यूपी।